नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। दोस्तों, राम लहर जैसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी से जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान की बात की गई और उनसे उनकी प्रतिज्ञा मांगी गई, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई ऐसी कोई भी लहर वहर नहीं चल रही है। ठीक है, और ये बात तो सही है, राम कोई लहर थोड़ी ना है, राम तो खुद ही समुंदर है। कितनी लहरें उस समुद्र में उठती हैं और शांत हो जाती हैं, राहुल गांधी को शायद इस बात का कोई इल्म ही नहीं है, और ये इल्म उनको होने वाला भी नहीं है। कहते हैं ना, जब अहंकार मनुष्य पे छाता है, पहले विनय मर जाता है। तो राहुल गांधी पे भी वैसा ही हाल है, रावण पे भी वैसा ही हाल था। उसका अहंकार था कि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, और ये अहंकार जो है राहुल गांधी और कांग्रेस वालों का भी है, क्योंकि उन्होंने इस देश पर 70 सालों से एक तरह से राज किया है, और उनको ये अभी भी लगता है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं भारत में। और शायद कहीं हो सकता है कि उनको ये भी लगे कि भाई वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पूरे विश्व में है। ठीक है, और जब ऐसी बात आती है उनके सामने, तो वो उस बात को देखने समझने में वो अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। और राहुल गांधी का भी शायद ऐसा ही कुछ है, क्योंकि भारत में रहकर जो राम से लड़ रहा है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार, कांग्रेस, ममता बनर्जी, ऐसे ही लोग हैं जो कि सत्ता के नशे में चूर हैं। और जब वो नशा टूटेगा, तब तक कितनी देर हो गई होगी किसको पता। और मैं तो यही कहूंगा भगवान राम से कि राहुल गांधी जी को भी सद्बुद्धि दे, ताकि अच्छे से कैंपेनिंग कर पाए, लोगों का समर्थन जुटा पाए, नहीं तो ऐसे ही और घूमते रहेंगे, और शायद कुछ समय बाद हो सके उन्हें बाहर उन्हें घूमने की भी जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।